अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द पास्ट पेपर्स। ठीक है, पहले देखो हम लोग फुल लेंथ पेपर्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन उसमें हमारे पास एक मसला आ रहा था, वो ये था कि उसमें बहुत से एमसीक्यूज जो है वो ऐसे थे जो कि हमारे इस मतलब पीएमसी के सिलेबस में मौजूद नहीं है। ठीक है, वो जस्ट स्टूडेंट्स के लिए जस्ट कन्फ्यूजन थे और वेस्टेज ऑफ टाइम थे। सो उस चीज़ से बचने के लिए अभी हम लोग जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे, और ये वो तमाम एमसीक्यूज हैं जो इस मतलब आप लोगों के पीएमसी के सिलेबस में मौजूद हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एमसीक्यू 1 है, जिसको यहाँ पर उन्होंने एमसीक्यू 81 लिखा है। कहते हैं द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स ऑन इन द प्लांट सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड। देखो अब इनसाइड टू आउटवर्ड की बात की तो हम लोग हमारे पास सबसे पहले इनसाइड की तरफ सेकेंडरी वॉल आती है, उसके बाद प्राइमरी वॉल आती है, और उसके बाद हमारे पास मिडिल लैमेला आती है। अब लाजमी नहीं है कि आपसे वो इस मरतबा यही एमसीक्यू पूछे, वो आपसे आउटवर्ड टू इनवर्ड भी पूछ सकता है, आउटवर्ड टू इनसाइड भी पूछ सकता है। अगर आउटवर्ड टू इनसाइड पूछेगा तो आप लोग फिर बोलोगे कि पहले हमारे पास मिडिल लैमेला आती है, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी वॉल आती है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल आती है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि मिडिल लैमेला हमारे पास इनके प्राइमरी और सेकेंडरी के इन बिटवीन होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, अगर आप लोग बुक में डायग्राम को कंसल्ट करो तो ये कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पर इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को अपने ध्यान में लाजमी रखना है। सो एमसीक्यूज़ के मुताबिक हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 82 में कहता है द पॉलीसेकेराइड सेलुलोज इज द बिल्डिंग मटीरियल ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास इट इज़ द बिल्डिंग मटीरियल प्राइमरी वॉल। आप लोग तीन पॉइंट्स याद कर लो कि हमारे पास जो प्राइमरी वॉल होती है हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। देखो पी से प्राइमरी और पी से पॉलीसेकेराइड्स, इजीली आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। दूसरा हमारे पास मिडिल लैमेला में हमारे पास पेक्टेंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कैल्शियम पेक्टेट भी कहते हैं, और हमारे पास सेकेंडरी वॉल में हमारे पास लिगनेंस होते हैं और सेलुलोजेस होते हैं। ठीक है, आप लोग इन तीनों पॉइंट्स को अपने ध्यान में लाजमी रखो, यहाँ से एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू नंबर 83 में कहते हैं द मिडिल लैमेला ऑफ द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये वही एमसीक्यू है, हमारे पास मिडिल लैमेला में हमने लोगों ने बात की थी कि हमारे पास पेक्टिन होता है, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट। ऑप्शन किधर है, बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 84 में कहता है स्पेशल प्रोटीन्स कैरियर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो यार हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें स्पेशल प्रोटीन कैरियर्स हमारे पास परमीएजेस होते हैं। एक तो पॉइंट आप लोगों का ये क्लियर हो गया। दूसरा एमसीक्यू आप लोगों से यहाँ से वो ये भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द एफिशिएंट ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयनिक मटेरियल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो परमीएसेस ही होते हैं जो कि डिफ्यूजन कॉज कर रहे होते हैं, सॉरी डिफ्यूजन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। दैट इज इट। ये आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि परमीएसेस रेगुलेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यार हमारे पास परमीएसेस सिर्फ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है वो रेगुलेट करता है। हो सकता है वो आपको ऑप्शन में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दे दे, फिर आप लोग उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट को जो है वो टिक करोगे, क्योंकि हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट को परमीएसेस जो है वो रेगुलेट नहीं कर रहा होता। तीन पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ से क्लियर होने चाहिए। एमसीक्यू नंबर 85 में कहता है बोटनिस्ट हु प्रिपेयर द सेल थ्योरी वाज। तो शील्डन ने हमारे पास जो है वो सेल थ्योरी प्रिपेयर की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 86 में कहता है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 87 में कहता है अल्टाप्लास्टिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो हमारे पास वो क्लोरोप्लास्टिड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी क्लोरोनी प्रोटोप्लास्टिड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। असल में एमसीक्यूज को वीडियो की फॉर्म में आप लोग अभी देख रहे हो ना, तो आप लोग लाइक इजीली जो है अपने पॉइंट्स क्लियर कर रहे हो, लेकिन यही जब आप लोग जो है वो खुद जो है वो बुक से सॉल्व करते हैं तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है और लाइक सॉल्व करना मुश्किल, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा होता एमसीक्यू सॉल्व करने का। आप लोग यहाँ से इजीली जो है वो इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हो, और साथ में जो आप लोगों ने चीज़ें नोट करनी हो वो आप नोट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ नोट करनी है, कौन कौन सी जहन में रखनी है, ठीक है, आप लोग इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोग का एमसीक्यू नंबर 88 में कहता है इट्स मेम्ब्रेन्स आर द साइट्स वेयर द सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड वेयर ऑल इज फॉर्म्ड रेफर्स टू। तो यार हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो है वो सनलाइट एनर्जी हमारे पास ट्रैप होती है और फर्दर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 89 में कहता है द पोटैटो प्लास्टिड्स विच स्टोर द स्टार्च आर नोन एज। तो यार हमारे पास जो एमाइलो प्लास्ट होता है
बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टार्स वगैरह होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अमाइलोब्लास्ट। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। देखो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से आप लोगों को पता चल गया है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं क्योंकि इनमें हमारे पास प्रोटीन्स और डीएनएज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इनको हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटिंग के अब ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आप लोग उसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। अगर आपको ऑप्शन में उसने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों दी हुई तो आप लोग बोथ का ऑप्शन वो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट होता है इम्पार्ट द कलर टू द प्लांट अदर देन ग्रीन। तो यार हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्रोमोप्लास्ट होता है ये प्लांट्स को जो है वो कलर देता है ग्रीन के अलावा, ठीक है। एंड इन रेपन फ्रूट्स एंड हेल्प इन द पोलिनेशन एंड डिस्पर्स्ड ऑफ। देखो ऑब्वियसली देखो हमारे पास जब प्लांट्स जो है वो कलरफुल होते हैं तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, और पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फ्रूट्स के जो कलर होते हैं वो इसकी वजह से जो हो रहे होते हैं। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द पोलिनेशन, तो आप लोगों के पास वो क्रोमोप्लास्ट ही है क्योंकि कलर्स कलर्ड नेचर होती है, कलर्स की वजह से हमारे पास इंसेक्ट्स आते हैं, बटरफ्लाइज ये सारी चीज़ें आंट्स वगैरह, तो वो हमारे पास जो है वो पोलिनेशन का प्रोसेस को करवा रही होती है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस एंड आर मोस्टली फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर फूड। देखो ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास जो है वो क्या करता है, ये हमारे पास कलरलेस होता है। और आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर फूड्स, तो यार आप लोगों के पास वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है एमसीक्यू नंबर 90 में कहता है माइक्रोविलाइज आर आल्सो कॉल्ड, तो माइक्रोविलाइज को हम लोग क्रिस्टा भी कहते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्रिस्टा होता है और एक सिस्टर्ना होता है, तो यार सिस्टर्ना बेसिकली हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस यानी कि डिक्टायोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको उसको हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा इज डिफरेंट फ्रॉम सिस्टर्नी। सिस्टर्नी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और गोल्जी एपरेटस में होता है, और ये दो पॉइंट्स जो है आप लोग लाजमी अपने क्लियर कर लो, ठीक हो गया। और जो आप लोग के पास क्रिस्टा होता है उसको हम लोग माइक्रोविलाई भी कहते हैं। सो दिस मीन्स दैट माइक्रोविलाइज आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग उससे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। एम से माइक्रोविलाई, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग इस तरह इसको याद कर सकते हो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स, तो यार वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 92 में कहता है सेल फेल्स टू डिटॉक्सिफाई द वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन इट बिकॉज इट डज नॉट पोजेस इनफ। कहते हैं कि हमारे पास सेल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को फेल कर लेते हैं। वो क्यों करता है कि क्योंकि हमारे पास उस सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं होते। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लाइसोसोम्स जो है वो टिक कर दिया होगा, लेकिन लाइसोसोम्स का ये फंक्शन नहीं है। बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन इज़ द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप लोग बुक को ओपन करके देखो तो ये पॉइंट वहाँ पर मेंशन है। आप लोग हमेशा अपने ध्यान रखो हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड सिंथेसिस करता है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन भी जो है वो कर रहा होता है। दैट्स इट, ये तीन पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको लाजमी अपने ध्यान में। एमसीक्यू 93 में कहता है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात करके आए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग पास एमसीक्यू नंबर 94 एंथ्रोसिनेन्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ द कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन। तो बेसिकली हमारे पास वो वैक्यूल्स में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 95 में कहते हैं प्लांट सेल्स सिंथेसाइज शुगर इन द, तो यार वो स्ट्रोमा में शुगर को सिंथेसाइज कर रहा होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 96 में कहते हैं द अटैचमेंट ऑफ द टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स ऑन द सिंगल मैसेंजर आरएनए इज कंट्रोल्ड बाय, तो मैग्नीशियम आयंस उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो आप लोग आयरन का बोलोगे Fe, लेकिन जहाँ पर उसने राइबोसोम्स का बोला तो हमारे पास राइबोसोम में हमारे पास जो दो सब यूनिट्स होते हैं तो उसको मैग्नीशियम आयन जो है वो अटैच कर रहे होते हैं दूसरे के साथ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 97 में कहते हैं फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, तो यार ग्लाइसोसोम्स का ये फंक्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। असल में ये जो पहला चैप्टर है इसमें मोस्टली आप लोगों से या तो वो फंक्शंस पूछ रहा होता है या उसके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो पूछ रहा होता है, दैट इज इट।
ठीक है, आप लोगों को इससे अपने बताऊँ जी कि मेरे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनेल्स कौन सी हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनेल्स कौन सी हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स कौन सी हैं। आप लोगों को ये बताऊँ जी कि प्लांट सेल्स में कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती, एनिमल्स में कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती, फंक्शंस, बस ये 3-4 पॉइंट ये अगर आप लोगों ने इस चैप्टर में से कर लिए तो इस चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यू आएंगे आप लोग उनको इजीली जो है वो सॉर्ट आउट कर लोगे, दैट इज इट। ठीक है, इसी तरह के एमसीक्यू जिस चैप्टर में से आते हैं, एमसीक्यू 98 में कहते हैं द अटैचमेंट ऑफ द टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स अलोंग द मैसेंजर आरएनए इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये हम लोग अब ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं कि हमारे पास क्लोरोफिल्स, हमारे पास मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन, हमारे पास आयरन होता है एफ ई। सो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू 99 में कहता है द साइज ऑफ द राइबोसोम्स एंड द प्रोकैरियोटिक सेल इज, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो साइज होता है वो 70s होता है, यूकेरियोट में हमारे पास 80s होता है। ये टेबल आप लोगों को गिवन है, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से या तो आप लोगों को वो ओवरऑल टोटल साइज का पूछता है या सेम टाइम्स आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह भी करता है द स्मॉलर यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, तो स्मॉलर यूनिट हमारे पास ये देखो स्मॉलर यूनिट वाले कॉलम में आप लोग देख सकते हो 30 होता है, लार्जर का भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह वो आप लोगों से यूकेरियोट्स के भी स्मॉलर और लार्जर का पूछ सकता है और ओवरऑल का भी पूछ सकता है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, आप लोग इस टेबल को अगर याद कर लो सो इसमें से जिस तरह का भी एमसीक्यू है आप लोग इजीली उसको सॉर्ट आउट करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, इस टेबल को अगर आप लोगों को याद नहीं आप लोग इसको लिख भी सकते हो, अदरवाइज ये बुक पर बना हुआ है। एमसीक्यू नंबर 100 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली, तो हमारे पास प्लांट सेल से पेरोक्सिसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स, ग्लाइसोसोम्स, ठीक है, इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। ठीक है, हमारे पास पेरोक्सिसोम्स है प्लांट्स में, एनिमल्स में ये चीज़ें नहीं होती, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 101 में कहता है द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द यूकेरियोटिक सेल इज डिपेंडेंट अपॉन, न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग का एमसीक्यू नंबर 102 में कहता है द क्लोरोप्लास्ट साइज इज अबाउट, तो उसका साइज हमारे पास 4-6 माइक्रोमीटर होता है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर अच्छा इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ हैं, देखो क्लोरोप्लास्ट का उसने आप लोगों को डायमीटर बताया हुआ है, न्यूक्लियस का, राइबोसोम्स का, ये आप लोग अपने जहन में लाजमी रख लें और कोशिश करें कि लाइक इस तरह की चीज़ों को डायमीटर्स को और ये जो मैंने आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, सिंगल, नॉन मेम्ब्रेनियस, इनको आप लोग एक जगह कलेक्ट करके लिख लूँगा तो वो याद करना आसान होती है। ठीक है, वो भूलती नहीं है, अदरवाइज़ आप लोग अगर एक इन्फॉर्मेशन पेज के बुक के किसी एक पेज पे देख रहे हो, दूसरी किसी दूसरे पेज पे, तो वो फिर जब एग्जाम में आप लोग बैठे तो वो चीज़ आपको कंफ्यूज करती है। इन चीज़ों को आप लोग एक जगह जो है वो इकट्ठा करके लिख लो। एमसीक्यू नंबर 103 में कहता है ATS राइबोसोम्स, तो यार हमारे पास जो है वो कहते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आप लोग देख सकते हो कि लाइक इसमें से इस तरह का एमसीक्यू भी आता है, हमारे पास ATS जो होता है हमारे पास किस में होता है, यूकेरियोटिक में होता है और हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स का 40 होता है और लार्जर 60 होता है, सो 40+60 ऑप्शन डी इज करेक्ट, 60+40। सो आप लोग जो है वो देख सकते हो कि इसमें किस तरह का एमसीक्यू उन्होंने पूछा है। ठीक है, स्मॉलर का भी पूछ सकता है, लार्जर का सेपरेटली पूछ सकता है और कलेक्टिवली इन दोनों का पूछ सकता है और ओवरऑल टोटल भी पूछ सकता है। सो ये था आप लोगों के पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज, तो इस तरह हम लोग जब चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे, हमारे पास वीडियो भी इतनी लेंथी नहीं होगी। ठीक है, हर एक स्टूडेंट आसानी से इसको देख भी लेगा और कोशिश करें कि लाइक आप लोग बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जब लाइक वीडियो पे थोड़े व्यूज़ वगैरह आते हैं तो बंदे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, वो कहता है कि यार बस जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ ताकि स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा और आपको भी हो, तो बस कोशिश करो कि यार खुद भी आप लोग इस वीडियो को देखो, कोशिश करो कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, चैप्टर वाइज हम लोग पहले बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास जस्ट 13 चैप्टर्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिन में अगर 2-3 चैप्टर्स अपलोड कर लूं तो ये अच्छा रहेगा ताकि आपका 3-4 दिन में कम से कम ये बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में तो मेरा अपना मिड का टर्म एग्ज़ाम है, तो उसमें भी फिर स्टिल कोशिश करूंगा कि लाइक आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँ, जस्ट आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें भी हमारे पास सिर्फ 13 ही चैप्टर्स हैं, उसको भी हम लोग 3-4 दिनों में वाइंड अप कर लेंगे। फिर हमारे पास केमिस्ट्री बच जाएगी, केमिस्ट्री में हमारे पास तकरीबन 19 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जाम से पहले वाइंड अप कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।